लड़कियां मेकअप करके आएंगी, इस तरह की ड्रेसिंग करके आएंगी, आप जाहिर सी बात है लड़कों को इंप्रेस करेंगी आके, तो जाहिर सी बात है आप इंसान के अंदर ठरक तो जागेगी, फिर वो कहेंगे लड़कियां हमें छेड़ते हैं। लेकिन यार वो कटाती है ना यार, वो मतलब पहले मोहब्बत के झांसे में फंसाती है बंदा, जब एक दो सेमेस्टर फंसा रहता है फिर बाद में ऐसा गंदा कटा के चली जाती है, इंसान अपने आप जोगा भी नहीं रहता यार। मजनू बन जाता है, मजनू भी नहीं बनता, मजनू से फिर ऊपर वाली हाजिर नजर वाला सीन हो जाता है वहां पे, फिर तो फरिश्ते रात को नजर आते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, दोनों हरामी हराम का काम कर सकते हैं, दोनों हरामी भी हैं इसमें, इसमें कुछ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वेलकम बैक टू ए बी बिग शॉट। टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो, बहुत एंटरटेनिंग क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन क्या है, दो तीन क्वेश्चन हमारे साथ बहुत एंटरटेनिंग है, आइए आपको दिखाते हैं। लड़कियां ज्यादा शरीफ है या लड़के ज्यादा शरीफ है? यार लड़के ज्यादा शरीफ है, ऑफ कोर्स लड़के, देखो यार ऑफ कोर्स लड़के ज्यादा शरीफ है, कोई भी देख लो, सुबह उठते हैं जैसे हैं वैसे हैं, जैसे हैं वैसे हैं, सुबह उठते हैं मुंह भी नहीं धोया आके, यकीन करो मैं खुद यूनिवर्सिटी में आके मुंह धोता हूँ। लड़कियां उठती हैं सुबह, एक घंटा उनको तैयार होने के लिए चाहिए होता है, फिर आके वो दाएं दिखाती हैं तो अपनी, जाहिर सी बात है फिर काम खराब होता है। तो लड़कियों ने क्या किया वो अगर शरीफ नहीं है तो? लेकिन यार वो कटाती है ना यार, वो मतलब पहले मोहब्बत के झांसे में फंसाती है बंदा, जब एक दो सेमेस्टर फंसा रहता है फिर बाद में ऐसा गंदा कटा के चली जाती है, इंसान अपने आप जोगा भी नहीं रहता यार। मजनू बन जाता है, मजनू भी नहीं बनता, मजनू से फिर ऊपर वाली हाजिर नजर वाला सीन हो जाता है वहां पे, फिर तो फरिश्ते रात को नजर आते हैं। मेरे तरफ से लड़कियां, लड़कियां ज्यादा शरीफ है। हाँ जी। लड़कों ने ऐसा क्या किया है वो शरीफ नहीं है? मुझे नहीं पता, लेकिन बस अगर लड़कियां पूछ रहे हैं तो मैं लड़की हूँ तो मैं लड़कियां ही, लड़कियों को वोट दोगी? कुछ भी, कुछ भी। लड़के, जाहिर सी बात है लड़कियों ने क्या किया है, लड़कों ने क्या क्या किया लड़कियों ने अगर वो शरीफ नहीं है? लड़कियां मेकअप करके आएंगी, इस तरह की ड्रेसिंग करके आएंगी, आप जाहिर सी बात है लड़कों को इंप्रेस करेंगी आके, तो जाहिर सी बात है आप इंसान के अंदर ठरक तो जागेगी, फिर वो कहेंगे लड़कियां हमें छेड़ते हैं, और हम लड़कों को हर चीज में लड़कों ही गलती बदनाम है, बदनाम हम हो जाते हैं, और हलन के इशारा कहीं और से मिलता है, इशारा कहीं और से मिलता है। ओके थैंक यू, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस क्वेश्चन का मुझे लगता है आंसर देने की जरूरत नहीं, बट आई गेस लड़के नहीं, शरीफ। हाँ शरीफ लड़कियां ज्यादा, लड़कियां ज्यादा, लड़कियां ऑनेस्टली, ऑनेस्टली। ओके नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। मेरे ख्याल से जो आज का टाइम चल रहा है ना अभी 2024 का, तो लड़के ज्यादा शरीफ हैं, वफादार हैं, तो गर्ल्स ज्यादा चीट करती हैं, चीट करती हैं। ये फैक्ट आप यूनिवर्सिटी में देख लें, हर जगह देख लें, चीट करती हैं लड़कियां, लड़कियां शरीफ होते हैं और लड़के ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, सीरियस होते हैं और फिर धोखे मिलते हैं, और फिर धोखे मिलते हैं और बेचारे फिर मजनू बन के बैठ जाते हैं। जो बात है, लड़के ज्यादा शरीफ हैं, लड़कियां नहीं शरीफ। ठीक है मैं बता दूं आपको, ये लड़कियों की जो छोटे मोटे कारनामे होते हैं ना, ये छुप जाते हैं, हम लोगों के देख जाते हैं, हम खुले में कहते हैं वो चुप के करती हैं, तो इस वजह से ना हम ज्यादा बदनाम हो रहे हैं, हमें इसके बारे में मार्च निकालनी चाहिए, ये गलत हो रहा है हमारे साथ। अच्छा, लड़कों के साथ जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादा धोखे हो रहे हैं, धोखे बहुत धोखे हो रहे हैं, ये समस्या है क्या बोलने का। एक्चुअली लड़के ज़्यादा शरीफ होते हैं, ठीक है लड़के, हाँ मगर वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये पता नहीं क्या है, और लड़कियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा छुपी रुस्तम होती हैं निकाबों के नीचे, तो बंदे को समझ नहीं आता इसलिए। अच्छा, सब कुछ मतलब लड़का ओपन बुक है और लड़कियां, हाँ, लड़कियां जो है वो बहुत ज़्यादा शरीफ बनने की कोशिश करती हैं। अच्छा, आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है, कोई ख़ास बात लड़कियों के वाले जो वो शरीफ नहीं है? मेरा एक्सपीरियंस तो यही है, मेरी भी काफ़ी सारी फ्रेंड्स हैं, जब मैं पहली बार मिला हूँ तो वो बहुत ही शरीफ दिखती हैं, ठीक है मतलब बिल्कुल खामोश, जैसे हमें कुछ पता नहीं, हम शरीफ स्टार्टिंग में, हाँ, और जब जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना तो अपने असली रंग दिखाते हैं कि हमें ये भी पता है, ये भी पता है, फिर हमें पता चलता है, हमसे ज़्यादा उनको पता होता है सब कुछ। डिपेंड करता है, दोनों लोगों, दोनों इंसान हैं तो दोनों हरामी हराम का काम कर सकते हैं, दोनों हरामी भी हैं इसमें, इसमें कुछ मेरे को जानता नहीं है ये, नहीं लेकिन दोनों का रास्ता अलग होता है जिसमें हरामजादगी का काम करते रहते हैं ना। लोंडे का काम ये है कि अगर वो चाहते हैं ना तो मैनिपुलेट करते हैं लड़की के जज्बात को, अगर वो उसके डैडी इश्यूज हैं तो उसको नशों में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसका जज्बे में उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको मतलब अपने को कमज़ोर किस्म के दिखाते हैं, वनरेबल, ताकि वो उसको लगे ये लड़का प्यारा है, अच्छा है, ये नरम ही मतलब लड़कों के जज्बात को महसूस कर सकता है, फिर वहीं से जो है ना जो भी अपना काम करते हैं उसके साथ। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। ऑब्वियसली लड़कियां ज़्यादा शरीफ होती हैं, लड़कियां शरीफ बिल्कुल हर मामले में, कैसे कह सकते हैं, लड़कियों ने क्या किया है? देखें लड़के जो होते हैं वो हर चीज़ में मस्तियाँ भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, और हर तरह के ऐसे एफर्ट्स करते हैं कि लड़कियाँ उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। Okay. और देखा जाए तो लड़कियाँ पहले अपने आप को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करती हैं, लड़के ही होते हैं जो उनको डाइवर्ट करके अपनी तरफ लेके आते हैं, और हर मामले में लड़कियाँ सपोर्टिव भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं, फ्रेंडली भी होती हैं। ओके।
लड़के ज्यादा शरीफ है, इसको देखे तो लगता है शरीफ है। आप क्या बोलते हैं? लड़के शरीफ है। लड़कों ने ऐसा क्या क्या है लड़कियों ने? लड़कियाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आती और धोखा देती है। धोखा भी दे आपने क्या कहा? मैंने कहा इसको अभी रिसेंटली धोखा मिला। अच्छा किसे? मुझे क्या बोला? दोनों ही शरीफ नहीं। आज के दौर में शराफत का लफ्ज ही बहुत रेयर है, इसीलिए इसको इस्तेमाल नहीं किया। शरीफ नहीं है मेरे ख्याल से, लड़के थोड़े ज्यादा शरीफ है। लड़के ज्यादा शरीफ है क्या? कैसे आपके लड़कियों ने क्या मसला बनाया है? लड़कियों ने कोई मसला नहीं बनाया, बस अपना अपना ओपिनियन होता है और मुझे आई थिंक लड़के ज्यादा शरीफ होते हैं। ओके, लड़के ज्यादा शरीफ है। मैं समझता हूँ कि लड़कों पे तो शराफत की इंतहा है, शराफत जिधर खत्म होती है मतलब उधर लड़के स्टार्ट होते हैं। लड़कियाँ स्टार्ट होती है जी, लड़कों पे इंतहा है मतलब। मतलब वो ज्यादा शरीफ है। मतलब मुझे तरस आता है कभी कभार अपने भाई को देख के, खलीक भाई को देख के, आप जैसे लोगों को देख के, मतलब कितनी शरीफ नस्ल आप लोग है जो अल्लाह ने कहा कि मैंने अशरफुल मखलूकात बनाया। लड़कियों को नहीं बनाया। फौजी भाई को देखो कितने शरीफ और नफस इंसान है वो, फौजी होते हुए भी। हाँ मतलब शरीफ है, शरीफ है। तो लड़कियों में क्या मसला है? उनमें मैं बाकी नहीं कुछ कह सकता। सॉरी यार, डिपेंड करते हैं जैसा आपका फ्रेंड सर्कल होता है ना उस हिसाब से फिर आप होते हैं। यहाँ पर मैंने देखी लड़कियाँ भी वो है टर्की हैं या लड़के भी है, तो देखने को हर किस्म के लोग मिल जाते हैं। ओके, लड़के ज़्यादा शरीफ होते हैं। लड़के ज़्यादा शरीफ है। लड़कियों ने ऐसा क्या किया है जो आप कह रहे हैं वो शरीफ नहीं है? अस्तगफुरुल्लाह, ऐसा नहीं पूछा करते। एक मतलब बहुत कुछ किया है। हाँ बहुत कुछ किया है। आजकल कोई भी शरीफ नहीं है, कोई भी शरीफ नहीं। ऑब्वियसली यार लड़के ज़्यादा शरीफ होते हैं। लड़के शरीफ होते हैं कैसे? यार लड़कियाँ बहुत एक तरह से कहते हैं ना हरामी होती है, लेकिन वो अंदर से वो दिखाती नहीं है। अच्छा, लड़के दिखा देते हैं इसलिए वो कहते हैं कि यार ये उस तरह है। बट लड़कों का ये है कि लड़के जब किसी को देखते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी लड़की को देखते हैं तो उसको अच्छी लग रही है नहीं लग रही, लेकिन वो तारीफ़ करेगा लाज। या आपने खुद नोटिस किया होगा, आपने खुद भी किया होगा। तो सही है। Okay. तो शरीफ लड़के ज़्यादा। शरीफ लड़के। तो आपका मतलब है लड़के ओपन बुक है और लड़कियाँ बातों को छुपाती है। हाँ, लड़के ओपन बुक है और लड़कियाँ उसके अंदर लिखती हैं, लड़कियों के जरिए ये सारे बेशर्मी लड़कियों की वजह से ही आती है। आपको लड़कियों ने क्या नुकसान पहुँचाया है? यार ऐसे तभी तक तो कुछ नुकसान तो नहीं करवाया, धोखा दिया,